सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में, जो कि फार्मासिस्ट की है। और ये आपकी जो वैकेंसी है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से आ रही है, दैट मीन्स ये आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। ओके, सो बेसिकली मैं सबसे पहले तो आप सभी से मुझे सॉरी बोलना है, वो इसलिए चूँकि कई दिनों से आपको वीडियो नहीं कोई मिल रहा था, वो इस वजह से चूँकि मुझे थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज चल रहा था, दैट मींस मुझे टाइफाइड हो गया था, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहा था। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग अच्छे से आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी जोन वाइज रहने वाली है, जो ये आपकी रिक्वायरमेंट है जोन वाइज रहने वाली, ये सारे जोन्स हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये जोन्स हैं। सो अगर हम बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं किस तरीके से, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जोन, दैट मीन आपकी जो नांगाल यूनिट है, दैट मीन्स नांगाल में जो एक तरीके से आपकी वैकेंसी रहने वाली है एज अ फार्मासिस्ट। देखिए वैसे तो बहुत वैकेंसी निकली है, लेकिन हम लोग बात करेंगे फार्मासिस्ट की। सो ये आप देख सकते हो, ये आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज जो हैं यहाँ पर नांगाल यूनिट पर आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट दो निकली हैं, ठीक है, यानी कि दो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं आपकी। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं कि सर आपको एज अ फ्रेशर्स कितना इसमें आपको एज अ सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, तो बहुत ही अच्छी सैलरी शानदार रहने वाली है, दैट मीन्स आपका 23,000 से लेके 56,500 रुपये आपको एज अ फ्रेशर दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि हम आप अगर जैसे कि इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा रहने वाला है जोन, वो रहेगा आपका भदिंदर यूनिट जो आपका रहेगा। यहाँ भी आपके जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसको हम अगर देखते हैं, सो हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की, तो इसमें आप देख सकते हो ये आपको दिख रहा होगा फार्मासिस्ट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बेसिकली में वन है, ठीक है। एंड अगर इसमें बात करते हैं सैलरी की, तो सेम सैलरी रहने वाली है जो कि आपकी पहले जोन की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोई अपने नेक्स्ट जोन की, सो जो आपका इसमें नेक्स्ट जोन रहने वाला है दैट इज़ पानीपत। ओके, सो पानीपत यूनिट में भी आपकी वैकेंसीज निकली हैं एज अ फार्मासिस्ट। ओके, सो ये इसमें जो आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हैं, तो इसको हम देखते हैं। ओके, सो इसमें आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, दैट मीन्स चार नंबर ऑफ वैकेंसीज है, मीन्स देयर आर फोर नंबर ऑफ वैकेंसीज, ओके, एंड पोजिशंस। ओके, एंड इसमें भी जो आपकी सैलरी रहने वाली है 23,000 से लेके 56,500 रुपये रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी एज अ फ्रेशर। ओके, सो ये बेसिकली में वैकेंसीज हैं। एंड आपकी इसके बाद हम अगर बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं आप अपना पानी सॉरी विजयपुर यूनिट का, ठीक है। सो विजयपुर जो आपका यूनिट रहने वाला है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो आपकी अगर बात करते हैं फार्मासिस्ट की, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं देर आर थ्री नंबर ऑफ पोस्ट। ओके, देर आर थ्री नंबर ऑफ पोस्ट, एंड यहाँ भी आपकी जो सैलरी है सेम रहने वाली है, ठीक है। सो अगर बात करते हैं कि टोटल जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है, बेसिकली में 10 फार्मासिस्ट की जो पोस्ट रहने वाली हैं, टोटल पोस्ट जो हैं आपकी कितनी रहने वाली हैं 10, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आज थोड़ा सा करवा चौथ है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो हो सकता है लाइक आपको जो बैकग्राउंड साउंड है काफ़ी ज़्यादा आ रहा हो, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज़ करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। ओके।